हेलो स्टूडेंट, मैं ये वीडियो क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम मैसेज राइटिंग पढ़ेंगे। मैसेज को कैसे लिखा जाता है ये पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने नोटिस राइटिंग देखा, लेकिन इस वीडियो में हम मैसेज राइटिंग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए। एक मैसेज को बॉक्स में रखा जाता है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखा जाता है, उसके नीचे सैल्यूटेशन यानी जिस व्यक्ति के पास आप मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम, डियर देख करके उसका नाम। उसके बाद यहाँ से इसके राइट हैंड साइड में टाइमिंग होता है, ऊपर में हेडिंग के रूप में मैसेज कैपिटल में लिखना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ से कंटेंट्स आता है, जो मैसेज आपको लिखना होता है यहाँ से हम लिखते हैं। और यहाँ पर मैसेज लिखने वाले का नाम लिखते हैं और उसके पूरे को पूरे एक बॉक्स में रख दिया जाता है। मैसेज लिखने के पहले जो क्वेश्चन है वो केयरफुली लिखे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फोकस ऑन द पार्ट दैट कंटेन्स द मैसेज टू बी कन्वेड। क्वेश्चन सही से पढ़ना है और उस भाग पर ज़्यादा केंद्रित रहना है जिसमें मैसेज रहता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। दिस पार्ट विल कंटेन द पॉइंट टू बी इंक्लूडेड इन द कंटेंट। इसी मैसेज क्वेश्चन के इसी भाग में वो मैसेज रहती है जो आपको लिखना होता है। फॉर्मेट शुड इंडिकेट वर्ड्स मैसेज। फॉर्मेट में सबसे पहले जो हेडिंग में आपने मैसेज कैपिटल लेटर में लिखनी है, मुझे लिखना टुवर्ड्स द टॉप में, बॉक्स के ऊपरी भाग में। देट शुड बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। डेट जो है बाएं हाथ की तरफ, जैसे कि मैंने बताया। एंड टाइमिंग ऑफ राइटिंग द मैसेज शुड बी राइट टुवर्ड्स राइट, और ये टाइमिंग जैसे कि मैंने बताया दाएं तरफ लिखनी चाहिए। फिर देखिए, बींग बाई एड्रेसिंग द पर्सन फॉर होम द मैसेज हैज बिन गिवेन। बिगिन बाई एड्रेसिंग, जिस व्यक्ति को मैसेज आपको लिखना है उसका नाम लिखना है सैल्यूटेशन में, डियर जैसे डियर राम लिखना है, डियर पापा, डियर मामा, ये सब लिखना है यहाँ पर सैल्यूटेशन की जगह पर। उसके बाद देखिए, उसके अंत में जो है, रिमेंबर द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ग्रामेटिकल सही होना चाहिए और सही बात ही लिखना चाहिए। अब देखिए, इन द लास्ट लाइन ऑन द लेफ्ट साइड विथ राइट द नेम ऑफ द पर्सन हुज राइटिंग मैसेज। अंतिम में जाकर लेफ्ट हैंड साइड में जो आदमी मैसेज लिखेगा उसका नाम होगा। चलिए, एक क्वेश्चन है, देखिए, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन दीप्ति एंड अमन। एक टेलीफोनिक संवाद है दीप्ति और अमन के बीच में हुआ है। देखिए, अमन क्या कहता है, हेलो मे आई स्पीक टू मिस्टर खेर। अमन कहता है, क्या मैं मिस्टर खेर से बात कर सकता हूँ। दीप्ति कहती है, आई एम सॉरी ही इज नॉट इन द ऑफिस एट द मोमेंट, आई एम हिज पर्सनल असिस्टेंट, ही विल बी हेयर इन ए कपल ऑफ आवर्स, मे आई नो हु इज कॉलिंग। दीप्ति कहती है, मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, असिस्टेंट हूँ, और इस वक्त मिस्टर खेर ऑफिस में नहीं है, कुछ घंटों में आ जाएंगे, क्या मैं जान सकती हूँ कौन कौन कर रहे हैं। अमन कहता, आई एम अमन शर्मा, मिस्टर खेर हैड सेड दैट ही वुड गिव मी अ प्रेजेंटेशन ऑन योर कंपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट टुमारो, बट आई एम अफ्रेड द प्रेजेंटेशन विल हैव टू बी पोस्टपोन्ड फॉर नेक्स्ट ट्यूजडे, ऑल्सो आस्क हिम टू स्पीक टू मी दिस इवनिंग। अमन ने कहा कि मैं अमन शर्मा हूँ, मिस्टर खेर मुझे एक प्रेजेंटेशन जो आपकी कंपनी की जो नई प्रोडक्ट है उसके बारे में कल देने की बात कहे थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि प्रेजेंटेशन जो है अगले बुधवार तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। जब मिस्टर खेर आए तो उनको कहिए मुझे सामने बात कर ले। दीप्ति कहती है, आई विल इन्फॉर्म हिम अबाउट दिस चेंज। दीप्ति कहती कि मैं सूचित कर दूंगा उनको इस चीज के बारे में, बता दूंगी। आई शैल सर्टनली टेल हिम दैट, और मैं अवश्य उन्हें ये बताऊंगी।
अमन कहता है थैंक्स तिथि, यू आर वेलकम। अब देखिए इस मैसेज को कैसे लिखा गया है। देखिए पूरे को पूरे बॉक्स रखा गया है, हेडिंग लिखा गया है कैपिटल में मैसेज, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 20 अप्रैल 2010 ये लिखा गया है आपको डेट के रूप में। सैल्यूटेशन दिया गया है मिस्टर खेर। अब देखिए कहाँ से उठाया गया है मैसेज। देखिए मिस्टर अमन तो आपको लिखना ही है क्योंकि वही कॉल कर रहे थे, तो कॉल किए थे, कॉल्ड अप। ही विश टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रेजेंटेशन, देखिए यहाँ से लिखा गया द प्रेजेंटेशन ऑन योर कंपनीज लेटेस्ट, योर की जगह पर आवर हो जाएगा। तो देखिए ही विश्ड मिस्टर अमन शर्मा कॉल्ड अप, ही विश टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रेजेंटेशन दैट यू वेयर टू कीप टुमारो ऑन आवर कंपनीज प्रोडक्ट will have to be postponed for next Tuesday. Please call him up this evening. देखिए क्या मिस्टर इसका लिखा गया, मिस्टर शर्मा फ़ोन किए थे और वो चाहते थे आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि वो जो प्रेजेंटेशन जो आप उनको देने वाले थे कल अपने कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में, वो पोस्टपॉन्ड हो गया है अगले मंगलवार तक। तो और प्लीज उनसे बात कर ले इस शाम को, दीप्ति क्योंकि दीप्ति लिख रही है। तो इस तरह से आपको मैसेज लिखना होता है। और अगर आप सीख रही हैं तो एक उसका होमवर्क एक रख लीजिए। देखिए एक होमवर्क ये वाला नंबर वन मैसेज, पेज नंबर 169 आप इसको लिख के रखेंगे। धन्यवाद।